दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे LG के इस साल के बेहतरीन मॉडल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ LG के UN 8000 सीरीज़ के बारे में। आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, बताएंगे सारे डिटेल्स इस टीवी से रिलेटेड, और वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर पाओगे क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए या नहीं। तो सब कुछ होने वाला है धमाकेदार इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन टनाना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे बात करें LG UN 8000 सीरीज के बारे में, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में, कितने वेरिएंट्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं अभी तक, जिसमें फर्स्ट वेरिएंट है 55 इंच का, दूसरा है 65 इंच का और तीसरा वेरिएंट है 75 इंच का। ये 3 वेरिएंट आपको देखने मिल जाएंगे। और अब यहाँ पे बात करें इस टीवी के डिस्प्ले और पैनल के बारे में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 4K का रेजोल्यूशन देखने मिल जाएगा, अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आने वाली टीवी है। और बात करें टीवी के पैनल के बारे में, तो ये टीवी आती है IPS पैनल के साथ। IPS पैनल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे व्यू एंगल्स मिल जाते हैं। मतलब अगर आपका रूम बड़ा है और अगर आप साइड में बैठे हो तो वहां पर भी आपको व्यू एंगल्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ ये 8-bit FRC पैनल है, मतलब यहाँ पे आपको 1 मिलियन से भी ज्यादा कलर देखने मिल जाएंगे। और बात करें टीवी के ब्राइटनेस निट्स के बारे में, तो इस टीवी में आपको 350 निट्स की ब्राइटनेस निट्स देखने मिल जाएगी। इसी के साथ ही जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है 1100:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिल जाएगा। डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स के साथ आने वाली टीवी है। 50Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा इस टीवी में। और बात करें टीवी के HDR कैपेबिलिटीज के बारे में, तो इस टीवी में आपको HDR, HDR 10, HDR 10 Pro, HLG Pro सभी का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आने वाली टीवी है, जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग होगी ये प्रोसेसर के थ्रू ही होने वाली है। और यहाँ पे बात करें अपस्केलर के बारे में, जहाँ पे मतलब अगर आपके पास HD कंटेंट है उसको 4K में कैसे अपस्केल किया जाए, तो यहाँ पे LG यूज कर रहा है 4K अपस्केलर टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आपका जो अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है बहुत ही अच्छी तरह से काम करने वाली है इस टीवी में। और जहाँ तक सवाल है टीवी के कलर मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पर LG यूज कर रहा है एडवांस्ड कलर इनहांसर टेक्नोलॉजी। इसी के साथ ही साथ ट्रू कलर एक्यूरेसी का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। और बात करें टीवी के पिक्चर मोड्स के बारे में, तो आपको बहुत सारे पिक्चर मोड्स देखने मिल जाएंगे, जिसमें आपका स्टैंडर्ड, सिनेमा, गेम, स्पोर्ट्स, अलग अलग पिक्चर मोड दिए गए। लेकिन यहाँ पे एक खास पिक्चर मोड दिया गया है जिसका नाम है फिल्म मेकर मोड। ये फिल्म मेकर मोड करता क्या है, बेसिकली समझ लो डायरेक्टर ने जब भी शूटिंग की है पिक्चर की, तो उस समय जो भी पिक्चर सेटिंग्स यूज किए हैं वो इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, वैसी पिक्चर क्वालिटी, वैसा एक्सपीरियंस आपको इस मोड में देखने मिलेगा। तो ये एक नया इस साल LG ने लाया है। और जब हम बात करें पिक्चर मोड के बारे में, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा टेक्निकलर एक्सपर्ट मोड के बारे में। ये जो मोड है एक्चुअली OLED सीरीज में दिया जाता था LG की टीवी में, लेकिन फर्स्ट टाइम LG ने शुरुआत की है अल्ट्रा HD सीरीज में देने के लिए। और ये बेसिकली करता क्या है, ये काफ़ी लोगों को मन में सवाल आता रहेगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी है क्या। ये बेसिकली करता है कि जो भी आपके सीन्स होते हैं, हर एक पिक्चर के जो भी सीन, उसको प्रोसेस करता है और उसमें से एक डायनेमिक डेटा जनरेट करता है, और उसके थ्रू जो कलर्स होते हैं काफ़ी पंची देखने मिलते हैं। तो ये काम करती है टेक्निकलर एक्सपर्ट मोड। और इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे आपको इस टीवी में HDR डायनेमिक टोन मैपिंग जैसे फीचर्स देखने मिल जाएंगे। नॉइस रिडक्शन, डबल स्टेप नॉइस रिडक्शन का फीचर दिया गया है, जिसमें समझ लो बैकग्राउंड में जो भी नॉइस होती है पिक्चर से रिलेटेड, उसको क्लियर करके आपको बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी दिया जाएगा। और जो मैं अब पॉइंट कहने जा रहा हूँ वो गेमर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और जो लोग गेमिंग टीवी का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे इस टीवी में आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी, गेमिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ ही साथ AMM मतलब ऑटो लो लेटेंसी मोड का फीचर दिया गया है, जिसमें जो इनपुट लैग होगा बहुत ही कम होगा, गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा होने वाला है। और एक और खास बात गेमिंग से रिलेटेड, यहाँ पे आपको HGIG का सपोर्ट देखने मिलना है, जिसमें आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको HDR इफेक्ट और जो ग्राफिक्स होंगे बहुत ही तगड़े देखने मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो यहाँ पे इस टीवी को आप एज ए गेमिंग टीवी भी कंसिडर कर सकते हो। और बात करें टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20W का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा, 10W का सब वूफर भी दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो डॉल्बी डिजिटल डिकोडर जैसी टेक्नोलॉजी प्लस अल्ट्रा सराउंड का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। एडिशनली यहाँ
यहाँ पे आपको AI acoustic ट्यूनिंग मिलता है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली करती है, समझ लो अगर आप टीवी देख रहे हो और जहाँ पे अगर आप सिर्फ सामने ही बैठे हो तो सिर्फ ऑडियो जो है सामने की तरफ जाएगा, ना कि साइड में जाएगा, लेकिन अगर साइड में बैठे हो तो साइड में भी जाएगा। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करती है ऑब्जेक्ट्स को, मतलब सामने कौन कौन बैठे, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और कहाँ तक ऑडियो भेजना है, ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो यहाँ पे ऑडियो जो है बहुत ही अच्छी तरह से कंज्यूमर या फिर पर्सन जो भी सामने देख रहा है उसके पास अच्छी तरह से पहुंचेगा और उसका एक्सपीरियंस ऑडियो के मामले में बहुत ही अच्छा होने वाला है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जब हम ऑडियो के बारे में बात करें तो हम लोग क्लियर वॉइस 3 को कैसे भूल सकते हैं, जो LG की टीवी में हमें देखने मिलने वाला है। और ये टेक्नोलॉजी बेसिकली करती क्या है, समझ लो जो भी ऑडियो में नॉइज होता है उसको रिड्यूस करती है और ऑडियो का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ही अच्छा बनाती है और बहुत ही अच्छा ऑडियो सुनने मिलता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसी के साथ ही साथ आप बात करें टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी आती है WebOS के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और जो वर्जन दिया गया है WebOS 5 दिया गया है। और जहां पे ये टीवी आती है WebOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो यहां पे आपको LG का प्ले स्टोर देखने मिल जाएगा, LG स्टोर देखने मिल जाएगा, जहां से आप ढेर सारे गेम्स और एप्स डाउनलोड करके फुल एंजॉय कर सकते हो। और यहां पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई काफी लोग कमेंट करते हैं कि भाई इस टीवी में साइड लोड कर सकते हो या नहीं, कोई भी APK लाओ और घुसा दो, ये इसमें नहीं होने वाला क्योंकि इस टीवी में आप साइड लोड नहीं कर सकते। अगर आपको साइड लोड करना है LG की टीवी में तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक एंड्रॉइड बॉक्स ले लो, वो अटैच करो और इंस्टॉल करके सारे प्ले स्टोर से जो भी गेम्स वगैरह डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप फायर स्टिक ले लो, वहां से गेम्स और ऐप डाउनलोड करके फुल एंजॉय कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन आपके पास निकल कर के आते हैं जब अगर आपको यूज करना है साइड लोड ऐप। और अब आगे बढ़ते और बात करते हैं टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में, तो इस टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट दिए गए हैं, 2 USB पोर्ट दिए गए और जो HDMI पोर्ट का वर्जन है 2.0 दिया गया है। एनहांस ऑडियो रिटर्न चैनल के साथ आने वाली ये HDMI पोर्ट्स है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे HDMI CEC का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जिसके थ्रू एक ही रिमोट के थ्रू आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ ही साथ आपको टीवी में AV पोर्ट देखने मिल जाएगा, LAN पोर्ट देखने मिल जाएगा, हेडफोन का जैक आपको नहीं दिया गया है इस टीवी में, जो कि एक बहुत बुरी बात होगी। इसी के साथ ही ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है इस टीवी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ देखने मिल रहा है इस टीवी में। और अब बात कर ले टीवी के डिजाइन के बारे में, तो ये टीवी आती है बेजललेस डिजाइन के साथ, मेटल का फ्रेम, मेटल की बॉडी, इसी के साथ ही साथ जो टेबल टॉप स्टैंड दिए गए वो भी मेटल के है। तो यहाँ पे जो भी आपको पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है डिजाइन के बारे में सब कुछ आपको मेटल का देखने मिल जाएगा और लुक्स इस टीवी के बहुत ही अमेजिंग है। और दोस्तों आप बात करें टीवी के स्मार्ट कैपेबिलिटी इसके बारे में, जिससे हमारे जो इंडियन कस्टमर है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इनफैक्ट आप जब टीवी लेने जाते हो वहां पे आपको जो सेल्समैन है वो भी इसके बारे में ज्यादा मार्केट करता है क्योंकि इससे कस्टमर ऑब्वियसली अट्रैक्ट होता है। तो अभी इस टीवी में आपको ThinQ AI का वॉइस कमांड और वॉइस सर्च का फीचर देखने मिल जाएगा, वॉइस एनिमल रिमोट के साथ आने वाली टीवी है, मैजिक रिमोट मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें आपको बोलते हैं ना एक मैजिक रिमोट, समझ लो मैजिक का ही काम करता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बना देता है एक कस्टमर का। और वॉइस एनिमल रिमोट के साथ ही साथ आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, एप्पल एयरप्ले 2, एप्पल होम किट, अमेजॉन एलेक्सा, सभी का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। एडिशनली बात करें इस टीवी में आपको होम डैशबोर्ड मिलता है, होम डैशबोर्ड समझ लो अगर आपके घर में बाकी स्मार्ट डिवाइसेज है, स्मार्ट लाइट बल्ब रेफ्रिजरेटर या फिर जो भी स्मार्ट डिवाइसेज है, होम स्मार्ट अप्लाइसेज है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो इस स्क्रीन के थ्रू, इस डैशबोर्ड के थ्रू, ये आपको फीचर इस टीवी में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही आपको LG के क्लाउड पे फोटो और वीडियो शेयर स्टोर कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिलता है, ये फीचर आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। एडिशनली इस टीवी में आपको मल्टी व्यू का ऑप्शन मिलता है, मल्टी व्यू समझ लो एक, मतलब मुझे नहीं लगता कि कितना रिलेवेंट है, आप टीवी की स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हो, एक पे देखो हॉटस्टार पे कुछ कंटेंट, एक पे देखो नेटफ्लिक्स पे कुछ कंटेंट, ये मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा रिलेवेंट है या फिर कितना यूजफुल होगा, लेकिन ऐसा कुछ आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही आपको 2-way ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, मिराकास्ट का सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पे आपको टाइम मशीन का भी फीचर देखने मिल जाता है। टाइम मशीन समझ लो आप कोई टीवी पे कंटेंट देख रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिलता है इस टीवी में। और जब मैं बात करूँ टीवी के स्मार्ट फीचर्स के बारे में, तो मैं स्पोर्ट्स अलर्ट के ऑप्शन को कैसे भूल सकता हूँ, जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स देखना है या फिर आपको नोटिफिकेशन आता है स्क्रीन पे जिससे आपको पता चले कि आप कोई भी मैच या फिर कोई भी गेम मिस ना कर पाओ, तो ये सारे फीचर्स आपको LG की टीवी में देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ बात करें टीवी के वारंटी के बारे में, तो 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको देखने मिल जाएगी, बेटर सर्विस आपको देखने मिलेगी जिसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। LG की सर्विस तो हमेशा अच्छी रहती है और मैंने पर्सनली यूज़ किया, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता
सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। तो यही थी सारी डिटेल इस टीवी के बारे में। और यहाँ पे अगर मुझे इस टीवी को समराइज करना पड़े तो यहाँ पे मुझे कुछ खास बातें इस टीवी की हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसमें इसकी डिजाइन बहुत ही अच्छी है, डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। एडिशनली इस टीवी में आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है, गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। तो ये सारी बातें हैं इस टीवी से रिलेटेड। और मैजिक रिमोट, समझ लो मैजिक का ही काम करेगा, मैजिक रिमोट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बनाता है एक कस्टमर का। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस टीवी के बारे में। और इसी के साथ ही साथ आपका क्या मानना इस टीवी के बारे में मुझे ज़रूर बताइए। आप कौन सी टीवी ले रहे हो इस साल, आपके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। और आपको कोई भी सवाल, सुझाव, कोई भी राय हो तो लिखिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और सवालों का जवाब तो हम आपको देते ही रहते हैं कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी आपके थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर ही देता हूँ। इसी के साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस साल की LG की तीनों टीवी UN 7300, 7350 और UN 8000 को कंपेयर। ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला, इस वीडियो को मिस मत करना। और आपने अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको उसी के थ्रू मिल जाएंगे। तो बस टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।